राउल जवेनी कोर्ट ने जमानत को दी थी, केजरीवाल को दी थी जमानत, लेकिन हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल किया 20 पेज का लिखित आवेदन, ईडी के आरोपों को बेतुका, अनावश्यक, अनुचित बताया। कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय तक इंतजार करने को कहा था। शराब घोटाला नीति मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने किया था गिरफ्तार, तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल। लोकसभा के स्पीकर पद के लिए फंस गया पेच, नहीं बनी आम सहमति, चुनाव की नौबत आई, कल 11 बजे चुनाव होगा। ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन किया। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद पर उतारा उम्मीदवार, के सुरेश बने उम्मीदवार, किया नामांकन। कांग्रेस नेता के सुरेश 8 बार रह चुके हैं सांसद, 4 बार लगातार रहे सांसद। इससे पहले कांग्रेस ने के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग की थी। स्पीकर पद पर सरकार के समर्थन के बदले विपक्ष मांग रहा था डिप्टी सीएम का पद, मोदी सरकार के इनकार पर स्पीकर पद पर विपक्ष ने उतार दिया अपना उम्मीदवार। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर आज टीआर बालू के साथ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, लेकिन नहीं बनी आम सहमति। सूत्रों के अनुसार विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोदी सरकार से तत्काल चाहता था आश्वासन, लेकिन सरकार स्पीकर पद पर सशर्त समर्थन को नहीं थी तैयार। राहुल बोले, लोकसभा स्पीकर पर सरकार के समर्थन के लिए राजनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को किया था फोन। राहुल के अनुसार कांग्रेस ने स्पीकर के समर्थन के बदले राजनाथ से विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर मांगा था। राहुल बोले, राजनाथ से विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद मांगने पर उन्होंने खड़गे को कॉलबैक की बात कही, लेकिन नहीं किया फोन, मेरे नेता की गई इंसल्ट। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे, अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर किया सीधा वार, बोले पीएम के शब्दों का कोई मतलब नहीं, मोदी जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, उन्हें ये फॉर्मूला बदलना होगा। प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा, विपक्ष लोकसभा स्पीकर पर आम सहमति के लिए था तैयार, लेकिन हमारी ये मांग थी कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। और स्पीकर पद पर छिड़े घमासान के बीच उमर अब्दुल्ला का व्यंग भरा ट्वीट, लिखा ऑपरेशन लोटस 2.0 का संकेत, नीतीश बाबू और सीबीएन गारू सावधान, आप पहले निशाने पर हो सकते हैं। राजनाथ का राहुल पर पलटवार, बोले खड़गे जी सीनियर लीडर हैं, मैंने कल से आज तक उनसे 3 बार बात की है, मैं उनका सम्मान करता हूं। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात की है। टीएमसी का इंडिया गठबंधन पर वार, सूत्रों के अनुसार टीएमसी ने कहा राहुल के बयान दिए जाने से पहले न तो इंडिया ब्लॉक के साथ कोई परामर्श हुआ और न ही कोई सामूहिक निर्णय। पीयूष गोयल ने किया वार, कहा स्पीकर डिप्टी स्पीकर सदन का होता है, किसी दल का नहीं। स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। पच्चीस जून यानी आज ही के दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। इमरजेंसी के 49 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक के बाद एक किए 4 ट्वीट। पीएम मोदी बोले, आज का दिन उन सभी महान पुरुषों महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, कांग्रेस ने आज ही के दिन नष्ट की थी बुनियादी स्वतंत्रता।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, आपातकाल वो काले अध्याय है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम योगी बोले, आज ही के दिन 49 वर्ष पहले तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने घोटा था लोकतंत्र का गला, कांग्रेस न करे लोकतंत्र की बात। कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही है जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। दिल्ली की मंत्री आतिशी के अनशन पर चौथे दिन विराम, आम आदमी पार्टी ने आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन को समाप्त करने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली में पानी की मांग को लेकर पीएम को पत्र लिखेंगे आप सांसद। संजय सिंह बोले, अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है, मौसम ठीक हुआ, बारिश हुई है, 10 MGD पानी बढ़ गया है, स्थिति बेहतर हो गई। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हत्ता पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। अब विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा उठाएगी आम आदमी पार्टी। नीट धांधली में बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र तक जुड़े तार, नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हो चुके हैं 25 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक में आरोपी संजय मुखिया की तलाश, संजय मुखिया के नेपाल भागने का अंदेशा। पेपर लीक के विरुद्ध दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, छात्रों से बोले आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आरजेडी ने नीट पेपर लीक मामले की जांच पर उठाए सवाल, कहा कौन बचा रहा है संजीव मुखिया को, संजीव की पत्नी के एनडीए से चुनाव लड़ने को भी आरजेडी ने बनाया मुद्दा। आरजेडी ने संजीव मुखिया को बताया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी, बोला सीधे मुख्यमंत्री के घर तक थी उसकी पहुंच। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 58 तक पहुंचा, नड्डा ने खड़गे को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की, पूछा पीड़ितों से क्यों नहीं मिलता गांधी परिवार। राम मंदिर को लेकर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का दावा, पहली ही बारिश में मंदिर की छत से टपक रहा है पानी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी सफाई, बोले शिखर के बनने पर नहीं होगी ये समस्या। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ कर रहा था आतंकी ढेर, हथियार के साथ शव बरामद, सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पीओके की तरफ भाग निकले बाकी आतंकी। बांग्लादेशी तस्करों ने मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया, बीएसएफ जवानों ने आत्मरक्षा में की फायरिंग। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 8 जुलाई तक जेल में रहेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने उड़ान संचालन की तारीख स्थगित की, दिसंबर 2024 में संचालित होने वाली उड़ानें अब अप्रैल 2025 के अंत तक होंगी संचालित। गुजरात के गांधीनगर को मिली भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र की सौगात, आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी, राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी। सीएम धामी ने पीएम से मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य के 16 मंदिरों को विकास मार्गों के चौड़ीकरण के लिए सहायता राशि मांगी। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली कैबिनेट के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, 16,347 शिक्षकों की भर्ती को स्वीकृति, भूमि स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय। आंध्र प्रदेश सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी पर लगाई मुहर, पेंशन राशि बढ़ाकर 4,000 रूपये की जाएगी, युवा कौशल विकास को भी स्वीकृति। चंद्रबाबू नायडू ने अन्ना कैंटीनों की बहाली पर दिया जोर, कुल 203 अन्ना कैंटीन्स को बहाल किया जाएगा।
नायडू सरकार ने एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी की बहाली का भी निर्णय लिया। एनटीआर हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम किया जाएगा पहार। आंध्र प्रदेश सरकार ने दम्मलपति श्रीधर को आंध्र प्रदेश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। वहीं कैबिनेट ने 1 जुलाई से ग्राम सचिवालयों के माध्यम से गरीबों को पेंशन बांटने का काम शुरू करने का भी निर्णय लिया। सोलन में बरसी आसमान से आफत, भयंकर बारिश से बाढ़, कई दुकानों में बाढ़ का मलबा। कुनिहार को नालागढ़ से जोड़ने वाला हाईवे हुआ बंद। बाढ़, भयंकर बारिश और मलबे की चपेट में आकर एक ढाबा हुआ जमींदोज। अचानक आई बाढ़ में दो गाड़ियां भी डूबी। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी। फिलहाल किसी की जान का कोई नुकसान नहीं। शिमला के लिए भी मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी, भारी बारिश बाढ़ का अलर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी के तेज बहाव में बह रहे 3 युवकों की बाल बाल बची जान। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर तीनों को बचाया। युवकों के नदी में डूबने और बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। यूपी के बांदा में दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दी। 6 के विरुद्ध मामला दर्ज। बैतूल में क्लास में मोबाइल चलाने की अनोखी सजा। कॉलेज परिसर में 500 औषधीय पौधे लगाने की बच्चों को सजा। छात्र छात्राओं ने अभी तक लगा दिए हैं 350 पौधे। हर दिन 50 पौधे बच्चे लगा रहे हैं। इन पौधों की रखवाली और खाद पानी की जिम्मेदारी भी इन्हीं छात्रों की होगी। कानपुर में छेड़खानी के विरोध में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने थाने में किया हंगामा। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में विनाशकारी आग से कई आवासीय संपत्तियां जलकर खाक। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। आसमान को छूती दिखी आग की लपटें। आग के बाद इलाके में मचा हड़कंप। दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग। कोई हताहत नहीं।